जय माँ करणी। सभी लाइव में जुड़े, क्योंकि दो चार दिन से जो मामला चल रहा है वो बहुत ही उग्र है, लेकिन सरकार इसको लाइट ही ले रही है, क्योंकि उग्रता पूर्ण कोई इसमें काम नहीं हो रहा। आज महिपाल सिंह जी मकराणा गुजरात में गए, क्योंकि वहां पर हमारी जो छत्राणियां हैं उनमें से एक बहन ने कहा कि मैं जोहर करूंगी। वो मकराणा जी खाली उनको समझाने के लिए उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन उनके बीच में ही सरकार ने उनको गिरफ्तार करवा लिया गया। ये कहां तक की सही है? मिलना भी गलत है क्या? अगर समझाने की बात आएगी, अगर हमारी बहनें ऐसा कोई बड़ा कदम उठा रही हैं, वैसे तो बहनों को उठाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर सरकारें हमारे पक्ष में खड़ी होती, हम छत्राणियों की अगर सुनती, तो हमें ये कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पुरुषोत्तम रूपाला जिन्होंने थोड़े दिन पहले ही हम मातृशक्ति को ललकारा, हमारे बारे में गलत बोला, हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बोला कि हमें, हम जो बहन बेटियां हैं, हमारा रिश्ता पहले अंग्रेजों के साथ किया गया था। तो मैंने एक दिन लाइव पहले भी आकर के कहा था, क्या रूपाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप बीच में आकर के हमारा रिश्ता लेके गए थे क्या, या फिर करवाने के लिए पहुंचे थे आप? आपको शर्म नहीं आती? आज हमारा भाई वहां पे पहुंचे हैं उन छत्राणियों को समझाने के लिए, उन बहनों को समझाने के लिए कि आप ऐसा कदम न उठाएं, क्योंकि जब तक भाई हैं, जब तक क्षत्रिय हैं, तब तक छत्राणियों पे कोई आंच नहीं आ सकती। लेकिन उनको बीच में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये सरकार हमारे प्रति इतनी अन्यायपूर्ण फैसला क्यों ही लेती है, मुझे समझ में नहीं आता। या तो हम क्षत्रियों को, हम पूरे समाज को ही मारना चाहती है, क्योंकि हमें तो किसी भी जगह पे आगे आने ही नहीं दे रही है। हमारी हत्या तो वैसे ही षड्यंत्र रूपी हो जाती है, तो हमारे को तो ऐसे मारने की जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे ही मर चुके हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने तो हमको वैसे ही मार दिया। ना तो राजनीतिक रूप से हमें कहीं भी भागीदारी मिल रही है, ना हमारी कोई पूछ हो रही है, ना हमें कहीं भी टिकट मिल रही है, और टिकट आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनको बोलना तक नहीं आता बहन बेटियों के बारे में। क्यों, इनके घरों में बहन बेटियां नहीं है क्या? कल को हम इनकी बहन बेटियों के बारे में गलत बोलेंगे तो क्या अच्छा लगता है? बहन बेटियां सभी समाज की, सर्व समाज की एक होती है, चाहे वो हम हो या फिर अदर समाज की हो। सरकार को ये अन्यायपूर्ण नीति रीति नहीं अपनानी चाहिए। और ये जो पुरुषोत्तम रूपाला है, अब जम करके विरोध भी होगा और इसको हराएंगे भी। ये टिकट लेकर के खड़ा हुआ है ना, पहली बात तो बीजेपी सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भी टाइम है, इसको बदल दीजिए, दूसरे कैंडिडेट बहुत हैं, मौका दीजिए नए चेहरे को। ये केंद्रीय मंत्री रह चुका फिर भी इसको बोलने की अकल नहीं है कि कैसे बोलते हैं। मैं तो इनसे यही कहना चाहूंगी कि पुरुषोत्तम जी ध्यान रहे, अगर आप वोट मांगने के लिए निकल गए तो आपके साथ क्या ही होगा समझ में नहीं आएगा भाई, देख लेना। छत्रियों को तो छोड़ो, अब ये जो मातृशक्ति है ना, वही चीथड़े पाड़ लेगी आपके। सोच समझ के कदम रखना जहां भी वोट मांगने के लिए जाओ, क्योंकि हार तो आपकी वैसे भी निश्चित है, आपको तो कोई जिताने वाला है ही नहीं। और लग जाओ छत्रियों भाइयों, आज आपकी बहनों के ऊपर उंगली उठी है, आपकी बहनों के बारे में गलत बोला गया है। हमारे जो महान महापुरुष थे, मां पद्मावती जैसी महिलाएं, आज उनके बारे में उंगली उठाई इन लोगों ने,
अरे बेशर्मो, तुम्हें क्या पता 16,000 रानियों के साथ में जोहर करने वाली महिलाएं हैं हम। और उसका उदाहरण आज उस बहन ने आज भी दे दिया है कि हम जोहर करने से पीछे नहीं हटेंगी। आज भी हमारे अंदर वो क्षमता है, अगर हमें ललकारा जाता है तो हम आज भी जोहर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी अस्मिता पे उंगली नहीं उठने देंगी। ध्यान रखना इस बात का। और करनी सैनिकों, जितने भी करनी सैनिक हैं भाइयों, पुतले जलाओ, जगह जगह इसका विरोध करो, क्योंकि ये आदमी लायक नहीं है। और जल्द से जल्द सरकार से मैं ये विनती करूंगी कि जल्द से जल्द महिपाल सिंह मकराना को रिहा किया जाए। और एक बात और बता देती हूँ, कितने महिपाल सिंह मकराणाओं को गिरफ्तार करोगे? अगर हम उठ उठ के राजस्थान वाले वहां पहुंच गए तो कितनों को अरेस्ट करोगे? क्योंकि आज है ये, शाम हो चुकी है, सुबह भी होगी, ध्यान रहे। तीन स्टेट में पहले भी धूल चटाई थी हमने, तो ये तो खाली एक इंसान है जो एमपी का चुनाव लड़ रहा है, ले बैठे नहीं हम इसको। इसलिए जल्द से जल्द महिपाल जी मकराना को रिहा किया जाए, पूरी करनी सैनिकों की यही डिमांड है। और अगर उनको जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाएगा तो वहीं आकर के आंदोलन करेंगे हम, कोई रोक नहीं पाएगा हमारे को। जय माता जी की, जय मां करनी।